मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा है, वे मंत्रियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नवाचार करते हुए लोगों का सुझाव बजट लिया है। आम जनता से प्राप्त 3000 से ज़्यादा सुझाव में से महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी को पीएम बनने पर प्रदेश की जनता को बधाई भी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टर सीएम मोहन यादव के ऊर्जावान नेतृत्व हमें मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 अर्थव्यवस्था में है। आइए देखते हैं एमपी बजट की प्रमुख घोषणाएं। 82 लाख किसानों को 12 लाख रुपए की सम्मान निधि, किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना, 5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, 30 करोड़ मृदा संरक्षण के लिए, पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़, गौशालाओं के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि, खाद्य एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान 150 करोड़ रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी, इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 21,144 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए, 4 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, कॉलेजों के लिए 2000 नवीन पद स्वीकृति, 268 ITI संचालित है, इस वर्ष 22 नई ITI शुरू होगी, शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ का प्रावधान, खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान, 667 करोड़ का प्रावधान सीएम राइस स्कूलों के लिए, आकांक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, एसटी वर्ग के छात्रावासों के लिए विशेष प्रावधान, छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण। एमपी बजट की प्रमुख घोषणाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।